यूपी की संभल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दो माह पूर्व पशु व्यापारी से हुई 76,000 रुपए की लूट को कबूला है। सीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। दरअसल थाना जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व हुई लूट के मामले के खुलासे को लेकर एसपी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनजर बहजोई पुलिस संभल तिराए पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि तीन बदमाश अपाची मोटरसाइकिल पर सवार होकर आने वाले हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की तो वह भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर रामगोपाल और दूसरे आरोपी सनोवर को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया तथा उनका तीसरा साथी भागने में सफल रहा। लगभग दो माह पूर्व चंदौसी पशु बाजार से सलीम और नवाब थे, ये वहाँ से पशु बाजार से वापस आ रहे थे, तो उनको आदमपुर पुलिया के पास ओवरटेक करके उनसे रुपए लूट लिए गए थे, और जिसमें सलीम के पास 60,000 रुपये था और नवाब का 16,000 रुपये था, उनसे रुपये छीने गए थे। ये मुलजिम आज पक गिरफ्तार हुए हैं। उन मुलजिमों की गिरफ्तारी से 24,000 रुपये नगद पैसा बरामद हुआ है, और उनके जो रुपए के साथ साथ उनके आधार कार्ड गए थे, उनके आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। और इन अपराधियों दोनों अपराधियों से दो तमंचे बरामद हुए हैं। इनके दो और साथी थे, जो एक पेट बाजार में पशु बाजार में लगा था, वहाँ से लगा हुआ था, और एक साथी और था जो कहीं फरार है। दो भी साथियों अभी गिरफ्तार नहीं है, वांछित चल रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट के 24,000 रुपए, दो अवैध तमंचे, तीन कारतूस, एक अपाची बाइक बरामद की है और आरोपियों को पुलिस ने चलान कर जेल भेज दिया है। सन्नी गुप्ता के साथ जनपद संभल से तेज निगाहें के लिए गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट। तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल के करीब 1,25,000 दर्शक हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी आपसे अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें आप तक समय से पहुंच सके और आप देश दुनिया में अपने आसपास हो रही सामाजिक गतिविधियों को अपने ही मोबाइल फोन पर देख सकें।